Hello dear students, welcome to DM Oil Public School Sita Songi. I am Vinod Mathpati, your art teacher. बच्चों आज हम स्टेप बाय स्टेप बुक में पेज नंबर 17 का ड्राइंग बनाएंगे जिसमें हमें फेस स्टडी बनाना है। बच्चों इस ड्राइंग में आपको ऊपर कुछ फेसेस बने हुए हैं और नीचे भी कुछ फेसेस बने हैं, लेकिन वो फेसेस कंप्लीट नहीं है। ऊपर के फेसेस में हमें इनकी आईज, नोज और लिप्स बनाना है, तो नीचे के फेसेस में आपको आईज, नोज और लिप्स बने हुए हैं, इनकी हेयर स्टाइल बनाना है हमें। बच्चों नीचे जो दिए हुए हैं उनका फेसेस हमें ऊपर देख के बनाना है, और ऊपर के जो हेयर स्टाइल से इन्हें नीचे के ड्राइंग में हमें उसे कंप्लीट करना है। बच्चों आप देख सकते हो वीडियो में फर्स्ट वाला जो ड्राइंग है इसमें एक गर्ल्स बनी हुई है जिसके हमें ऊपर में इसके आईज बनाना है और नीचे में इसके हेयर स्टाइल बनाना है। ऊपर का ड्राइंग देख के हमें नीचे कंप्लीट करना, नीचे का ड्राइंग देख के ऊपर का कंप्लीट करना है। सेकंड नंबर पे है एक बॉय बना हुआ, इस बॉय को हम कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। और लास्ट इसमें है एक वुमन, इस वुमन के हेयर स्टाइल हम बना रहे हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बच्चों ये बनने के बाद इसे हमें ब्लैक जेल पेन या मार्कर पेन से आउटलाइन करना है। बच्चों आउटलाइन हो जाने के बाद जो हमने पेंसिल से ड्रॉ किया था उसे हम इरेज कर देंगे। इरेज होने के बाद बच्चों इसमें हम करेंगे कलर, तो कलर सबसे पहले फेस को कलर करेंगे। तो फेस को कलर करने के लिए हम स्किन कलर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम कलरिंग के लिए पेंसिल कलर का यूज कर रहे हैं। इस तरीके से हल्का हल्का हम स्किन कलर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद बच्चों जो फेस है हमने स्किन कलर करने के बाद ऑरेंज कलर लेना है। ऑरेंज कलर से हमें हल्का हल्का जो बॉर्डर है बॉर्डर के साइड में हमें यहाँ पे हल्का सा शेडिंग देना है। इस तरीके से बच्चों हम शेडिंग देंगे। उसके बाद हेयर के लिए हम ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे। ब्लैक कलर यूज़ करने के बाद इनका जो ड्रेसेस है ड्रेस के लिए हम कलर यूज़ करेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। जो ऊपर के ड्राइंग को हमने कलर किया है वही सेम नीचे के ड्राइंग को भी हमें कलर करना है ताकि दोनों ड्राइंग सेम दिखनी चाहिए। इस तरीके से बच्चों इस ड्राइंग को हमें कलरिंग करना है। बच्चों आपको ये आपके स्टेप बाय स्टेप बुक में बनाना है। थैंक यू।